तो हे गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, जहां पे फैल चुका है बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा प्लेग। तो पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर आए थे एंड भाई यहां पर एक प्लेग फैल गया है। पीछे वाली जो तुम्हें फैसिलिटी दिखाई दे रही है भाई, वो प्लेग वहीं से निकला है एंड यहाँ पे हम लोगों को सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड के अंदर। मैं सर्वाइव पिछली वीडियो में दो बार मर गया था, कोई बात नहीं भाई, इस बार हम लोग सर्वाइव करेंगे, क्योंकि पिछली बार मेरे पास आर्मर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और भाई यहाँ पे जो मॉब्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट और नेक्स्ट लेवल के हैं भाई, वो एक झटके में मार देते हैं। तुम लोगों ने देखा पिछली वाली वीडियो में एक उड़ती हुई चिड़िया आई थी और उसने भाई मुझे पट पट करके सट कर दिया था। खैर जो भी है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दोबारा से उसी सेम वर्ल्ड के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की एंड उस प्लेग से बचने की, क्योंकि वो प्लेग जो है वो फैल वाला है, पूरे वर्ल्ड को वो कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो पिछली बार हमने एक आयरन गोलम मारा था इस उम्मीद में कि नया गोलम स्पॉन होगा, पर भाई यहाँ पे नया गोलम स्पॉन ही नहीं हुआ है। तो मेरे पास आयरन के नाम पे बस दो इंगड़ है और तुम्हें पता है यहाँ पे बिना आर्मर के सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू मर ही जाओगे भाई, कोई ना कोई आके तुम्हें लपेट ही देगा, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग हैं भाई और अलग ही अलग टाइप के, भाई दसों टाइप के भाई उसमें मॉब्स वगैरह हैं। पिछली बार हम लोगों ने कम से कम नहीं तो तीन चार डिफरेंट टाइप के मॉब देखे थे जो नॉर्मल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ इसी जगह एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे तो बात करते करते रात भी हो गई, सोना पड़ेगा। उठ बे, चल मेहमान आया सोने के लिए, तो सो रहा है, चढ़ कैसे रहा है, ऊपर कैसे चढ़ रहा है, छाती पर चढ़ रहा है मेरी ये। तो बे ओए, डर नहीं लगता तेरे को, ओए इधर देख ले, ओए डर नहीं लगता तेरे को, कैसे बेड पर चढ़ रहा था तू, है धक्का धक्का क्यों मार रहा है भाई, धक्का क्यों। अबे आर्मर नहीं है तो तुम भी मजे लोगे मुझसे, बड़े तेज हो रहे हैं भाई। वे शील्ड तो है कम से कम, काट दूंगा इन्हें मैं भाई, इनको पता नहीं है मैं बहुत खतरनाक हूँ पता है। What is that? पिछली बार दो बार मर गया था, तीन बार पता नहीं कितनी बार मरा था, इतना भी खतरनाक नहीं हूँ भाई। तो यहाँ पे आज हमारा जो गोल है वो है पूरा का पूरा आर्मर अपने लिए बनाना एंड वही सेम चीज उस फैक्ट्री में जाकर इन्वेस्टिगेट करना एंड देखना कि भाई क्या हो रहा है उस फैक्ट्री के अंदर। तो पिछली बार हम लोग गए थे फैक्ट्री के अंदर, तुम लोगों को याद हो तो यहाँ पे हम लोग गए थे और साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो रखी थी, एकदम ही फ्लूइड फैल रखा था पूरी फैक्ट्री के अंदर, मॉब्स वगैरह थे ही। पिछली बार मुझे थोड़ा डर लग रहा था जाने के लिए अंदर, पर यहाँ तक मैं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल सेफ है। पिछली बार हम लोग यहाँ पे आए थे एंड हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ ये किसी के खर्राटे लेने की आवाज आ रही है क्या, छोटा ज़ॉम्बी नहीं, छोटा ज़ॉम्बी नहीं, छोटी चिरान, अबे कौन मार रहा है, अबे शिट, ओ नो भाई, नहीं नहीं बिना आर्मर के मैं पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं किस बात की चौड़ है यार, पागल हूँ भाई मैं बिना आर्मर के जा रहा हूँ चौड़ में अंधा। तो लास्ट टाइम मैंने अपने विलेज में देखे थे बहुत सारे हे बेल्स, तो मुझे थोड़े से हे बेल्स चाहिए होंगे एंड इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मेरे सारे के सारे टूल्स एंड सारी चीजें गायब हो चुकी थी, तो मुझे फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे सारे के सारे टूल्स चाहिए होंगे, मेरे पास स्टोन के नाम पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेस भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेवेल्स भी चाहिए होंगी क्योंकि मेरा फूड खत्म होने वाला है। तो सब फटाफट से यहाँ पे जितनी भी हेवेल्स हैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ और इनका हम लोग ना ब्रेड बना लेते हैं, ताकि जो हमारी फूड की प्रॉब्लम हो वो पूरी की पूरी खत्म ही हो जाए एक साथ ही, फिर हमें फूड की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेनी पड़ेगी इस वायरस की और इस वायरस से बचने की और इसके एंटीडोट की। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा हेवेल कलेक्ट कर लिया है, इसको फटाफट से कन्वर्ट करते हैं एंड साथ ही साथ फटाफट से यहाँ से इसका बना लेते हैं पूरा का पूरा ब्रेड। यहाँ पे सारे ब्रेड बन के आ चुके हैं, थोड़े से और बना लेता हूँ, जितने बचे हैं उनके भी बना ही लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे 64 प्लस 14 ब्रेड्स हो चुके हैं, आई थिंक ये इनफ रहेंगे और इससे ज़्यादा जरूरत पड़ने भी नहीं वाली अपने को। पर यहाँ पे मुझे अब जाना पड़ेगा थोड़ी सी माइनिंग करने के लिए, क्योंकि आयरन इज लाइक नेसेसरी स्टफ भाई, आयरन तो अपने को चाहिए क्योंकि बस चाहिए, क्यों तुम्हें पता है क्यों चाहिए, अभी मार वार लग जाएगी मेरी, कोई मार देगा, उसके लिए यहाँ पे मैं फटाफट से टॉर्च रख लेता हूँ क्योंकि टॉर्च की नीड भी मुझे पड़ने वाली है। और आर्मर के नाम पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को आर्मर चाहिए ही होगा और इन दो आयरन इंगट से कुछ बनता भी नहीं है, मैं काम करता हूँ इनसे ना एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड शायद थोड़ी मेरी हेल्प कर सकती है उनको मॉब्स को मारने में, क्योंकि डिफेंस पे तो कुछ नहीं है मेरे पास, तो कम से कम नहीं भी तो अटैक अच्छा हो जाए अपना। तो यहाँ पे फटाफट से आयरन की स्वॉर्ड बना लेता हूँ और जो हमारी पुरानी स्वॉर्ड इसको फेंक देते, अभी किसी काम की नहीं है। एंड बचे हुए थोड़े से प्लैंक्स से हम लोग बनाते हैं स्टिक, ताकि हमें अंदर नीचे कोल मिलता है तो हम उसकी भी टॉर्चेस बना के लगा सकते हैं। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा टॉर्च मैं लगाऊंगा ना उतना मेरे लिए सेफ रहेगा और उतना ज़ॉम्बी वगैरह कम स्पॉन होंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक केव जा रही है अंदर, ओ भाई 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 नहीं नहीं नहीं, मुझे गुड फीलिंग नहीं आ रही, मुझे गुड फीलिंग आती है ना गुड गुड वाली फीलिंग, वो गुड गुड वाली नहीं, गुड गुड वाली आ रही है पेट में, क्योंकि भाई देखो जो पिछली बार हम लोग यहाँ पे गए थे यहाँ पे थोड़ा सा आयरन मिला था और हमने इसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसे, हमने पूरा का पूरा से डिस्कवर नहीं किया था, हम बस आयरन लेके आ गए थे, मे बी इसमें बहुत सारा आयरन हो सकता है। एंड साथ साथ ना मुझे यहाँ देखना पड़ेगा शायद यहाँ पे भी अच्छा खासा आयरन हो सकता है। ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा आयरन है,
पर वही है पानी के अंदर आयरन माइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करता हूँ फटाफट से ना एक ट्रिक यूज करते हैं, फटाफट से बनाते हैं थोड़े से डोर्स वगैरह ताकि हम लोग ना पानी के अंदर भी माइन कर सके। तो मेरे पास ऑलरेडी वुड पड़ा हुआ है, थोड़े से डोर बनाते हैं एंड डोर के बाद सीधे चलते हैं यहाँ पर जो हमारा आयरन हमें स्पॉट हुआ था वहीं पर ही, और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस डोर को, इस पर चलते हैं अंदर की तरफ ताकि हम लोग इजीली माइन कर पाए एंड यहाँ पे शील्ड उठाते हैं, टॉर्च लगाते हैं, लेट्स गो, देखते हैं इसमें कितना आयरन है, प्लीज थोड़ा ज्यादा, ओके लेट्स गो, डेफिनेटली मोर देन वन है, प्लीज भाई दो ही, सिर्फ दो ही, यार सही बताओ यहाँ पर आयरन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तुम लोग सोच पा रहे हो भाई मैं कितने टाइम से आयरन ढूंढ रहा हूँ और मैं केव में डायरेक्ट नहीं जा सकता, भाई तुम लोग सोच रहे हो भाई जाना सीधे डायरेक्ट केव में जा लेके आयरन, भाई नहीं नॉर्मल केव नहीं है ये भाई, बदतमीजी हो जाती है केव के अंदर, पिछली बार हुई थी मुझे याद है, यहाँ पे मुझे ऐसी जगह आयरन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मॉब्स के स्पॉन होने की चांसेस कम हो आयरन के ज्यादा हो। यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी मिल गया है, मुझे ये भी चाहिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली भाई स्टार्टिंग में तो कोल भी नेसेसरी होता ही है, तो उससे भी कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। भाई पानी के अंदर माइन करना सेफ है ज्यादा नॉर्मली केव के मुकाबले। ओ सामने क्या है, ओके नहीं वो कॉपर है भाई, मुझे लगा एकदम आयरन है, भाई ये क्या यूजलेस चीज है, इस पूरे पूरे गेम की सबसे यूजलेस चीज तो पता है क्या लगती है, ये और एक एमेथिस्ट, भाई ये दोनों चीज इतनी ज्यादा यूजलेस है ना भाई, एमेथिस्ट से आई नो स्पाई ग्लास बन जाते हैं पर जरूरत क्या है स्पाई ग्लास की, ये देखो जूम तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, स्पाई ग्लास की जरूरत क्या थी भाई, पता नहीं भाई क्या अपडेट था वो, कॉपर दे दिया, कॉपर के लिए बना लो उसे स्पाई ग्लास ले लो भाई, दे भाई मतलब क्या ही बकवास अपडेट था भाई। और भाई ये सबसे सेफ जगह थी, सबसे सेफ अभी तक माइनिंग करी है वो ऐसी पानी में करी है, पर अब हम जाने वाले हैं थोड़े डिफरेंट जगह पे एंड थोड़ी सी हॉरर जगह पे जहाँ हम पिछली बार पिटाई लगी थी हमारी, हम वहीं जाने वाले हैं एंड इस बार मैं बहुत सारी टॉर्च लगा के जाऊंगा ताकि भाई कोई दिक्कत ही ना हो, और जो मुझे आयरन मिल गया है ना थोड़ा सा आर्मर अपने को मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, छह आयरन अपने को मिला है यही अपने पास है बस, इसी से हम लोग क्या करते हैं फटाफट से टोपी बनाते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं अपनी केव के अंदर एंड इसको भी ले चलते हैं भाई, वहाँ पे भी जाके अगर आयरन पकाने का मौका मिल जाए तो पका लेंगे और तुरंत की तुरंत अपना आर्मर पहन लेंगे क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट भाई। लास्ट टाइम जो केव थी वो मैंने देखी थी कुछ यहाँ पर थी, वो केव यहाँ से जाके थी एंड वो रही वो नीचे केव, वहाँ पे जो हम पिछली बार हमारी बॉट लग गई थी वही केव है, थोड़ी बहुत टॉर्चेस लग रखी हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आयरन भी देखा था जो हम पिछली बार नहीं तोड़ पाए थे क्योंकि मेरे पास पिकैक्स ही नहीं थी, और लेट्स गो थोड़ा सा आयरन वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेट्स गो यहाँ पे अपने आयरन की जुगाड़ तो पक्के से हो जाएगी इस बार, होपफुली मिलेगा। अरे भाई साहब ग्रेवल की बारिश नहीं हो गई, और वो देखो भाई अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो मैं बोल रहे हो सब तो नॉर्मल है केव में, पर देख रहे हो केव में ना वायरस फैलता जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जो पिछली बार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पिछली बार ये था ही नहीं पत्ता, ये पिछली बार नहीं था, मुझे याद नहीं था पिछली बार, ये नया नया आया है इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और वहां पे भी नहीं था, और तुम लोग नोटिस कर रहे हो जहां जहां से मैं गुजरा हूं ना वहीं वहीं पर है सिर्फ वो इन्फेक्शन, बाकी और जगह नहीं है। देखो तुम लोगों को याद हो पिछली बार वीडियो में हमने यहाँ पे ये ब्लॉग बनाया था अपने सेफ के लिए एंड यहाँ पे हम लोग चल के गए थे, तो वो सिर्फ वहीं वहीं इन्फेक्शन फैला है और बाकी और जगह पे देख रहे हो कहीं भी इन्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब तुम्हें पता क्या है हम भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां वहां इन्फेक्शन फैल रहा है, इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा ना कि शायद मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ इस वायरस से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहूंगा इतना खतरनाक, बस सूरत तो भाई बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रीपी भाई, सबसे बड़ी बात क्रीपी, इतने ज्यादा क्रीपी लगते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, तुमने देख रखे होंगे ना खुद भी, मैं भी लगे होंगे। कैसे करते हैं फटाफट से जंप नीचे की तरफ और देखते हैं थोड़ा सा आयरन अपने को ना और मिल जाए, यार इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी भाई, कम ऑन लेट्स गो, आयरन बोला आयरन मिल चुका है, लेट्स गो क्रैक करते हैं फटाफट से प्लीज, मोर देन वन लेट्स गो, अच्छी खासी रिवीन लग रही है मुझे, अच्छी खासी वेन लग रही है, रिवीन क्यों बोल रहा हूँ, ओके वेन थोड़ी सी थी, चार की वेन थी, अपने को मिल चुकी है यहाँ पे थोड़ा सा आयरन और चाहिए, ओके ओके सर आई कैन सी इट, नीचे मेरी मौत खड़ी है मुझे दिख रही है, अभी तो कोई भी नहीं आया है इसमें, तो मुझे काम करना चाहिए फटाक से जाके ना जितनी भी हो सके टॉर्च में लगा देता हूँ ताकि वो मॉब्स वगैरह कम से कम नहीं भी तो स्पॉन ना हो और मुझे यहाँ पे अच्छे से आयरन मिल जाए। उसने मुझे देख लिया, उसने मैं निकल रहा हूँ, उसने मुझे देख लिया है, उसने आई कैन सी इट, मैं जा रहा हूँ, उसने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी, मैं निकल रहा भाई, मेरी लग गई, मैं जा रहा हूँ ऊपर अपवर्ड्स, बहुत दूर है केव, इतनी डीप में क्यों आ गया मैं, कमन, गेट आउट, ओ भाई बच गया, यहाँ पे आई थिंक सेफ हूँ मैं, उसने सीधे मुझे टारगेट किया है, लाइक लिटरली 50 ब्लॉक की दूरी पे थी वो, 50 ब्लॉक से उसने मुझे स्पॉट किया, इतनी दूर से तो ज़ॉम्बी स्पॉट नहीं करते, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, वो देखो वो रही वही थी, उसने मुझे दूर से स्पॉट किया था, पर इस बार नहीं, इस बार बहुत ध्यान से जाऊंगा, मैं नहीं चाहता दोबारा मर के जीरो से स्टार्ट करना, बिल्कुल नहीं, मैं कल कर चुका हूँ ये हरकत, मैं दोबारा नहीं करने वाला। शवल वाले ज़ॉम्बी, मेरे पास आयरन की शवल है जो कि मेरे पास भी नहीं है, रिच किड्स ओए सरप्राइजेस डैम बॉय सरप्राइजेस, भाई चलो इस बार तो कुछ भी करके अपने को आयरन का आर्मर हमारा पक्के से हो जाएगा, 16 आयरन हो चुका है एंड थोड़ा सा बात, मैंने नीचे भी स्पॉट किया था आयरन, वो मैं लेने जाने वाला हूँ फॉर श्योर, वो खतरनाक हो सकता है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा,
वहां पे बहुत सारा आयरन है। आई नीड इट, आई मैडली नीड इट भाई, आई मैडली नीड इट। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से बस। ये देख रहे हो, ये इन्फेक्शन था ही नहीं, ये इन्फेक्शन अभी अभी हुआ, ये था ही नहीं पहले, ये फैल रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। लाइक इसका क्या रेट बोलेंगे, इसका फैलने वाला रेट या फिर फर्टिलिटी रेट कुछ भी बोल सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा है। इन्फेक्टेड रेट बोल लो भाई, बहुत ही ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है। ओके, थोड़ा सा आयरन और मिल चुका है, बट फॉर श्योर मैं उसके ना लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट में नहीं आने वाला। अगर मैं उसके व्यू में आ गया ना तो वो मुझ पर चढ़ पड़ेगा भाई, वो पक्षी खतरनाक सा। द लास्ट पीस, नाइस। अभी हमारे पास टोटल नीडर 27 हो चुका है, और आई थिंक ये पूरा के पूरा आर्मर के लिए सफिशियंट, आई थिंक मोर देन सफिशियंट है, तो टूल भी बन जाएंगे। तो अभी हम लोग सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर जस्ट निकल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नीचे भी है क्या कुछ आयरन, देखो वो रहा ना, तो लालच करना चाहिए क्या, थोड़ा सा लालच, बस थोड़ा सा मैं पानी लेके जा रहा हूँ ताकि मैं वापस भाग सकूँ ईजिली, थोड़ा सा लालच, बस थोड़ा सा, प्लीज प्लीज प्लीज, मरना मत, मरना मत, मारना मत। अबे एक आयरन के लिए इतनी रिस्क ले ली मैंने, नॉट अ बिग डील, नहीं निकल रहा, जितना मिल गया लेके निकल लो। थोड़ा सा आयरन और मिल चुका है अपने को, मैं जाते जाते बस कोल माइन कर रहा था और मुझे थोड़ा सा आयरन और मिल गया है। कहाँ कल कुछ नहीं मिल रहा था और आज सब कुछ मिल रहा है, लेट्स गो। और हमारी पिकेक्स भी टूट चुकी है एंड शायद यहाँ पर रात भी होने वाली है, मैं निकल रहा हूँ बस। जितना भी आयरन मिलते जा रहा है ऐसे फटाफट से हम लोग बनाने वाले अपने पूरा। चल चल, खुले में नहीं, कमरे में खुले में कब से करने लगे तुम बेशर्म अश्लील लोग, कैसे कैसे लोग हैं भाई तुम, किससे इन्फ्लुएंस हो गए भाई, खुले में कर रहे हो, अंदर जाओ। गेट किसने बंद कर रखा है, खुला हुआ है गेट, अंदर जाओ चलो भाई, बाहर खुले में तुम मजा चल रही है इनकी भाई, बताओ हद है यार, दिल बना रहे हैं, कैसे विलेजर है भाई, पहली बार देखे मैंने ऐसे विलेजर खुले में, बेशर्म लोग। पुराने विलेजर से सीखो, एक टाइम हुआ करता था जब तुम्हारे पूर्वज बहुत तमीज में किया करते थे, छुपके से प्लेयर्स परेशान हो जाते थे, बच्चे नहीं करते थे, तुम खुले में बच्चे कर रहे। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड या फोर्थ डे चल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना आयरन का आर्मर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग जा सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने वाली फैसिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे अब हम लोग कल मॉर्निंग में निकलेंगे, इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे भाई वहाँ पे हुआ क्या था और क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं उस फैक्ट्री से अभी, और मतलब सारे पोटेंशियल थ्रेट्स तो उसने निकाल के फेंक दिए हैं बाहर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कोई सीक्रेट उसके अंदर बचा है तो वो मुझे देखना पड़ेगा। अब वो लैंड पे भी फैल रहा है, तुम लोगों ने देखा होगा केव में, वो लैंड पे भी फैल ही रहा है। और यहाँ पे आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया, पर इस बार मैं से नहीं मार रहा भाई, ये काम का बंदा है। यहाँ पे फटाफट से करते हैं मॉर्निंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग चलते हैं, फटाफट से इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके अंदर फैसिलिटी के अंदर एंड उसके एक एक चप्पे चप्पे को छान के मारने वाले हैं। तो लेट्स गो, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए। और भाई इस फैक्ट्री के अंदर टोटल 1 2 3 4 चार मंजिला है भाई, इसका पूरे के पूरे फ्लोर्स को मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, दो लोग साथ में नहीं, थैंक यू। ओ भाई इसके अंदर से कितनी खतरनाक आवाज निकल के आ रही है, एक सेकंड रुको, इसको मारते हैं। इसने ये तोड़ा कैसे, ये कैसे टूटा, ये ग्लास टूटा, इसने शायद हाथ मार के ग्लास तोड़ दिया। ओके एक नया अपडेट मिला है अपने को कि भाई ये लोग ग्लास तोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये ब्लॉक्स भी तोड़ सकते हैं। ओके दिस इज फॉर श्योर नॉट अ गुड आइडिया, और एक न्यूज तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ये, और ये कुछ तो है, इनको तोड़ते हैं फटाक से। और ये तुम लोग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को इन्होंने मार दिया और उसके अंदर से ये चीज निकल के आ रही है, जस्ट लाइक अ पैरासाइट, इसने होस्ट को मार दिया और ये खुद ग्रो हो रहा है उसकी बॉडी पर, उसकी डेड बॉडी पर। उसको तोड़ने के बाद लगा मुझे माइसिलिन इन्फेक्शन, ओके फॉर श्योर पता था भाई, मुझे लगना था, पता नहीं क्यों मैंने तोड़ दिया उसे। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ चुपचाप जाऊंगा और फालतू की ना बदतमीजी नहीं करूंगा। वो ये देखो इनका सारे के सारे ना फेडेड हो चुके हैं ये, और ये शायद इन्फेक्शन इनको सड़ा रहा है, ये लॉबी है फॉर श्योर। ये किसी का तो घर हुआ करता था मुझे ऐसा लग रहा है, ये लोग मर गए भाई, इन ये होस्ट बन गए भाई, ये लोग मर गए भाई। मुझे कोई से एरोज आ रहे हैं, कोई स्केलेटन को मार रहा है, मुझे आवाज आ रही है स्केलेटन की मरने की आवाज आ रही है। तो ये ज़ॉम्बीज ना किसी को नहीं पक्ष रहे, जो म्यूटेटेड है वो स्केलेटन को भी मार देते हैं भाई। और यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही है भाई, अगर इन्होंने मुझ पर एक साथ हमला किया ना तो मैं गया भाई। इसके अंदर मैंने इतनी मेहनत करी तब मुझे ये मिल रहा है एन्चेंटेड आयरन आर्मर, काश यार मैं थोड़ा सा आगे टॉर्च लेके पहले ही आ गया होता तो मुझे ये पूरा का पूरा मस्त सामान मिल जाता। किस्मत खराब हो भाई किसी की, पर इतनी खराब किसी की ना हो भाई। जस्ट अभी बना के लाया मैं पूरा का पूरा आर्मर और मुझे मिला है म्यूटेटेड फाइबर। ओके बहुत कूल चीजें हैं, पावर वन की वो भी मिली अपने को। ग्लास टूटने की बात आ रही है, मुझ पर एम्बुश होने वाला है, आई थिंक दे आर रेडिंग मी। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, पर
डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। ये कमरा तो और खराब है, बहुत ध्यान से भाई, ये फैक्ट्री बहुत ज्यादा कर्ज हो रखी है, सब में पूरा वायरस फैल चुका है। ओ नो, मुझे बहुत डैमेज पड़ रहा है, इन्फेक्शन भाई, माइसिलिन इन्फेक्शन लग चुका है, मैं भी सड़ चुका हूँ। और ये पता नहीं क्या घोस्ट आ जाते हैं यहाँ पर। साउंड आई फटने की, जो पिछली बार आई थी, मैं सोच रहा था TNT की आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई म्यूटेट्स व्यूटेट्स नहीं है, ये लोग फाड़ रहे हैं भाई, ये बम धमाके कर सकते हैं। डोल्टिन एप्पल ओके, हम लोगों ने ये कवर कर लिया है, जो भी हमने कवर कर लिया उसके मैं डोर्स खोलने वाला हूँ, और उसमें लगाता हूँ टॉर्च, ताकि हमें पता रहे कि हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। प्रोटेक्शन वन, लेट्स गो, बूट्स बेटर है, थोड़े से यहाँ पे एरोज भी रख लेते हैं। स्वीपिंग एज एंड शार्पनेस वन, ऑब्वियसली दिस इज बेटर, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन वन का हेलमेट है, फॉर श्योर मैं लेने वाला हूँ। एमरजेंसी एग्जिट है सामने, भाई यहाँ पे सामान काफी मिल रहा है अपने को, फूड ही फूड मिल गया है, एंड गोल्डन एप्पल्स मिलते जा रहे हैं अपने को, बढ़िया। और ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट कर रही है भाई इस फैक्ट्री को पूरा रेड करने के लिए, मुझे देखना है कि आगे के फ्लोर्स पे क्या मिलेगा। और यहाँ पर रात होने वाली है, और रात के टाइम पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और भाई मुझे लग रहा है ये बढ़ते जा रहे हैं। साउंड्स बिकम वेरी हॉरिफिक विद टाइम, मेरे जस्ट ऊपर इनकी जो आर्मी मेरा वेट कर रही है, मेरे जस्ट ऊपर। किसी एक बंदे ने भी मुझे अगर स्पॉट किया मैं डेड हूँ, मुझे कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। कि आई थिंक, मुझे लग रहा है मुझे इतना ग्रीडी होना नहीं चाहिए जितना मैं हो रहा हूँ, मुझे अभी शायद बैक हो जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिस स्टफ लाइक बिल्कुल ही नई चीज़ें हैं, पर मेरे ऊपर जो फ्लोर है उस पर कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रही है, कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रही है उसके ऊपर, मेरे जस्ट ऊपर। ये मैं ब्लॉक तोड़ा, कुछ नेक्स्ट लेवल नीचे गिरेगा मुझे लग रहा है। मैं वैसे इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जा सकता हूँ, ऊपर स्टेयर्स पे नहीं जा रहा मैं भाई, अब तो हालत खराब हो रही है। ये लास्ट है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, मुझे रात होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। एलिवेटर है यहाँ पर, कैफेटेरिया नहीं जाना मुझे, नहीं भूख नहीं है मुझे, मेरा पेट भरा हुआ है। सामने इमरजेंसी एग्जिट है, बस मुझे इतना पता है कि सामने इमरजेंसी एग्जिट है। वेलकम, किसने डोर ओपन किया, ये क्या है, रात हो चुकी है गाइस, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने गलत चीज देख ली है, कुछ एग्जिट नहीं, मुझे जाने दो, मैं निकल रहा हूँ। ओ भाई वो क्या था, वो भाई इस फैक्ट्री के स्टाफ थे भाई, डेफिनेटली वो स्टाफ थे भाई, वो ज़ॉम्बी बन गए। मैंने देखा था उसके पास आर्मर था, लेदर आर्मर था भाई उसके पास, वो बिना आर्मर के इतने खतरनाक भाई, वो क्या बंदे थे मुझे नहीं पता, मैं निकल रहा। वी आर बैक एंड वी आर अलाइव गाइस, वी आर अलाइव, वी आर टोटली सेफ, और मैं बहुत मस्त चीज लेके आया हूँ, ये देखो, लेट्स गो भाई। इसने माइंड एफ कर दिया मेरा भाई, पसीना हो गया भाई, पसीना स्वेट निकल रहा है मेरे को। मैं ₹50 काटने भाई, काट लो, बट मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, दिस इज फॉर रियल भाई। मॉन्स्टर नियर भाई, ओके मॉन्स्टर नियर भाई, भाई तू कौन है मॉन्स्टर नियर, तू मॉन्स्टर है, शर्मगर अपने आप पे, तू मॉन्स्टर है, मेरे को तो मार देते हैं वो लोग भाई, वो खतरनाक है, वो ज्यादा बड़े मॉन्स्टर है भाई। सीन बहुत गलत था उस फैक्ट्री में, मैं नहीं जाऊंगा अगली बार। रात के टाइम पे वो जो चीज हुई है, एम आई रेडी फॉर अ रेड, व्हाट यू थिंक, पर मुझे टोटम मिल सकता है। एक काम करता हूँ भाई, रेड से बचने के लिए ना इनको बुला के लाता हूँ गोलम के पास, गोलम खुद ही देख लेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम्हारे लिए ना मैंने दावत रखी है, पंडाल लगाया है, आ जाओ, तुम्हारी खातिरदारी होगी पान पराग से, आओ जल्दी आओ। गोलम भाई, गोलम ब्रदर, बड़ी आपके फादर आए हैं, बड़ी आपके फादर आए हैं, डैडी जी को हेलो बोलो। भयंकर, और कौन था भाई, आओ इनको तो मार ही देता हूँ, रुको। रेट तो तब होगी ना, ये नया अपडेट है ना, रेट तो तब होगी जब मैं इसका जो पोशन गिरेगा उसे पीऊंगा, तो इसका पोशन रख लेता हूँ ना मैं, लेट्स गो। नहीं, वह ओल्डर वर्जन था क्या, मुझसे गलती हो गई,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्तों विलेजर्स, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विलेजर्स, मुझे माफ़ कर दो, मैंने रेड चालू कर दी गलती से, मुझे बचा लो गोलम भैया, बचा लो गोलम भैया, बचा लो। जिस लेवल की रेड हुई है मुझे नहीं पता, पर मुझे आयरन चाहिए होगा मेरे गोलम की हेल्प करने के लिए। गोलम का है, अरे गोलम भाई तुम आयरन लो भाई, इस बंदे को मुझे बचाना होगा, यही है बस करता धरता जो भी है इस विलेज का, क्योंकि मैं तो निकम्मा हूँ भाई एक नंबर का। लास्ट बंदा वो रहा, एनिमी स्पॉटेड, लेट्स गो। ओह नो, एक और रेड भाई, मुझे लग रहा है मुझे इस विलेज से भागना ही पड़ेगा, लीजिए ना बहुत मुश्किल। गोलम गोलम भैया, आउच गोलम भैया, एक ही आयरन है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। गोलम भैया हेलो, कोई मिलने आया है? देखो भाई जहर करनी पड़ी गोलम की, लेट्स गो गोलम, ओपी ब्रो गोलम, ओपी ब्रो, ओपी ब्रो गोलम, चल मर जा। आई हिट यू टू माय फ्रेंड, आई हिट यू टू, ओ बच गया। अब एक और नहीं, अब तो पक्के से वैक्स वाले लोग आने वाले हैं, अभी चाहे विलेजर्स मरे कुछ भी मरे, मैं इस गोलम से दूर नहीं जाऊंगा। वो देखो भाई, वो देखो, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ, शहर के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने घर आया यार, रेडर है ये तो घर आए यार, मारो भाई, इस बार तो पक्का मर गया मैं। ओ नो नो नो, वैक्स इज नहीं, वैक्स इज नहीं, एक गोलम क्या ही बचा लेगा। ओके मैं भी क्या ही बचा लूंगा, मैं भी मर गया। गोलम कम ऑन, यू कैन डू इट गोलम, आई हैव फुल फेथ इन यू माय फ्रेंड। मर जा मर जा मर जा मर जा, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्री एक्सप्लोर करी, फैक्ट्री से बहुत सारा सामान लेके आए हैं, एक भी सामान बचा नहीं मेरे पास, और ये रेड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। आउच, अरे यहाँ धक्का नहीं मारना था भाई, यहाँ छोड़ के सब जगह मार लो भाई। आउच, अगर थोड़ा सा सामान रिकवर हो जाता है तो दिक्कत क्या है मुझे बता दो। आ जा भाई, रेड को तो मैं मार के जाऊंगा, चाहे मर जाऊं 100 बार। डबल से क्यों मार रहा हूं मैं, मर गया। बढ़िया, और कोई बचा है? मेरा सामान वापस आ गया, थैंक यू। मत्थे में मारा है सीधे तीर भाई, कान के आर पार कर दिया उन्होंने। ओके मेरा सामान तो रिकवर हो चुका है, पर मुझे अब इस विलेज को भी बचाना ही पड़ेगा। सारे विलेजर यहीं छुपे पड़े हैं, गेट लगा लो ना। अरे यार मत मार भाई, मत मार भाई यार, मर गया। अब आ तू, चलेगा टोटम, लेट्स गो, कम ऑन, इट्स नॉट ऑल वेस्ट यार, वर्थ इट था, टोटम मिल गया, जितनी मेरी मार लगी है ये टोटम जस्टिफाई करता है इतनी मार लगने को। ओके एक लास्ट बंदा बचा है, रेड खत्म होने वाली है, अब वो बंदा लास्ट कहाँ है, प्लीज जल्दी से स्पॉट हो जा। ओके मुझे पता चल गया वो लास्ट बंदा कहाँ है, वो लास्ट बंदा ये रहा जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है, इसको भी प्लेग ने खा लिया है भाई, ये तो प्लेजर था। डैम ब्रो ये क्या है, ये वही उड़ने वाला है, ध्यान से मुझे, आ गया, He's here. Okay, obviously I'm not ready for this. Oh no, 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 no. Thank you. नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं interest. अरे 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 Paris, नहीं मेरा मुंह। तो भाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मार खा खा के थक चुका हूँ, मुझे और नहीं पिटना इस वर्ल्ड में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें मजा आया मुझे पिटते हुए देखने में, तो तुम अपने जाके इलाज कराओ भाई, क्या पिटाई लग रही है। हम लोगों ने फैक्ट्री का फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया, उसमें से जितना भी सामान मिला वो हमारा सारा जा चुका है, और यही देखने को रह गया था ना बस अब भाई, और कमोन यही देखने को रह गया। मुझे मारेगा भाई दबा दबा के भाई, ये क्या है यार भाई, अभी यार मत करो भाई, ऐसा मत करो। गोलम भी नहीं है यार यहाँ पर। अबॉर्ट भाई, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, नहीं मैं गिर गया, मर गया मैं। बट भाई दिस वर्ल्ड इज रियली नॉट फॉर द बिगिनर्स। तो भाई तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम लाइक कर देना, प्लीज लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सर्वाइविंग स्किल के साथ, क्योंकि ऐसे तो मैं सर्वाइव नहीं करने वाला। तब तक के लिए बाय बाय, अभी पीछे ही पड़ गया क्या, भागो भाई निकल लो यहाँ से।